हैप्पी राखी, हैप्पी राखी एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। कैसे हैं आप सब? आई होप सबकी राखी बहुत अच्छी मनी होगी। और को केली की ये पहली राखी थी, तो केली और अनी के लिए जो ड्रेसेस आई थी वो फर्स्ट क्राई से हमने मंगाई थी। ड्रेसेस अनी की पसंद की थी, उसको यही शर्ट लेनी थी येलो कलर की, तो मैंने केली के लिए भी इसी कलर की ड्रेस मंगवाई थी। और ये दोनों ही ड्रेसेस 4 to 5 years के लिए हैं। केली का ये बैंड भी मंगवाया था, तो उसने अपनी अनबॉक्सिंग भी खुद ही की भी और अपने ड्रेस की भी, तो बैंड तो वो लगा के देती है। और ये है केली की ड्रेस, ये है स्कर्ट और टॉप उसका 9 to 12 months के लिए है। एक और अनी के लिए ड्रेस मंगवाई थी जो थोड़ा विंटर में पहन सके, और अनी के वेस्ट मंगाए थे। तो इन सब ड्रेसेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। केली और कोको की साथ में ये फर्स्ट राखी थी, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग सा होना चाहिए, तो अलग सा करने के लिए तो मेरे पास टाइम नहीं था और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ये फ्रेम हमारे पास कम से कम 4 साल से रखे हुए थे, तो मैंने सोचा आज इन्हें ही यूज़ कर लेते। तो मैंने लिख के इन पे फ्रेम में डाल दिया है और कुछ लुक ऐसा है। तो अनी आ गए हैं राखी बंधवाने। राखी बांधनी है, चलो इधर देखो, इधर 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 अनी के लिए जितनी भी राखी आई थी केली की तरफ से, बुआ की तरफ से, उसके नानी ने भी भेजी थी, तो वो अनी ने सारी की सारी राखियाँ बांध ली। जो पुष्पा बुआ ने उसकी राखी भेजी थी डोरेमोन की, उसको लेकर तो वो उस दिन से ही परेशान था जिस दिन से वो आई थी। 30 तारीख को था मनाने का, लेकिन 30 को मन नहीं पाई राखी। और 31 को अनी की छुट्टी भी नहीं थी, फिर वो स्कूल से आके उसको बस ये था कि राखी बंध जाए। लंच टाइम में जब गौतम घर आए तो हमने सबके साथ मिलके ये राखी बांधी। तो कोई भी चीज़ दूँ खाने के लिए या उसको प्यार करूँ, तो केली को तुरंत चाहिए होती है वो चीज़ या प्यार भी। तो उसको मैं मिठाई खिला रही थी, तो केली को भी थोड़ा सा उसके मुँह में डाल दिया ताकि उसको लगे कि हाँ मुझे भी मिला है, और वो खुश हो गई। हाँ जाएगी ना, तो तैयार बैठी है। इसकी मम्मा अभी गई है ना यहाँ से। हैप्पी राखी, हैप्पी राखी एवरीवन। हैप्पी राखी। आपने तो केली को कुछ दिया भी नहीं, कुछ नहीं दिया। खुशी है जो गौतम और मुझे जिसने राखी बांधी। और अनी को हम बुला रहे थे कि थोड़ी सी फोटो क्लिक करा ले, लेकिन उसने ढंग से फोटो क्लिक नहीं कराई। पूजा करो, टीका लगाओ। हाँ टीका लगाओ, बनी। बड़े भैया और भाभी भी पहुंच गए थे रीत के पास राखी बंधवाने। तो अगर आपके घर में बेटियां होना तो बहुत ही अच्छा लगता है। भाई बहन दोनों का ही होना बहुत ज़रूरी है, तभी ऐसे लगता है कि हाँ फैमिली कंप्लीट है। रक्षाबंधन जैसा त्यौहार, उसमें तो मज़ा ही तो आता है। एक बनी आप भी खिलाना है। अब ये बस भी खिलाओ, स्वीट ढंग से खिलाओ। एक अब आप बनी खिलाओ, आप भी खिलाओ, आप खिलाओ। अब दो इन दोनों की फोटो खींच ले।
पहले हाँ उससे बनवाएगी ना। और इधर राखी वगैरह बंधने के बाद शाम में सो के जब उठे बच्चा पार्टी, तो अनी ने अपनी गाड़ी निकाली जो कि उसके मामा लेके आए थे। ऐसे मजा आ रहा है, क्या चला रहे हैं भैया? तो केली तो बड़ा ही खुश होके देखने लगी कि ये क्या हो रहा है, कभी इधर कभी उधर, भैया ये क्या चला रहे हैं। और अनी भी खुश होके उसको दिखा रहा था कि ये देखो केली। तो ऐसी रही हमारी राखी। और आप लोगों की कैसी बनी कमेंट करके बताना। और इस रूम का मेकओवर मैंने किया है, तो वो वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो में, तो देखना मत भूलना। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।